नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लौकी और आलू की सब्जी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जो केवल 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। आपके पास समय कम है तो तुरंत ही आप घी की सब्जी बना सकते हैं। ये सेहत के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, साथ में वेट भी कंट्रोल करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो वो भी इसको डिनर में खाने से दूर हो जाती है। ऑलरेडी ये घिया काट करके रखा है, उसके साथ ही आलू के बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं और संग में ये प्याज भी मोटी मोटी काट ली है। इसको ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, प्याज को मोटा मोटा ही रखिएगा। दोस्तों, अब गैस पर हम लोग कुकर चढ़ाएंगे और कुकर को गर्म होने देंगे। अब कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें जरा सी हींग डालेंगे। इसके बाद थोड़ा जीरा और थोड़ी हल्दी। हल्दी पहले डालने से कलर अच्छा आता है और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, तो इसलिए कोशिश कीजिए तेल में डायरेक्ट पहले हल्दी डाल दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग अपनी घिया, आलू और प्याज कुकर के अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालिए जैसे आप खाना चाहते हैं, और हल्का लाल मिर्च जितना आप खाएं उसी हिसाब से डाल दीजिए। फिर इसको चलाइए, थोड़ा सब्जी को पूरा हिलाइए ताकि मसाला इसमें पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं कि हल्दी का पूरा कलर कितना अच्छे तरीके से आ गया है। थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, ये आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। मुझे चीनी डाल के अच्छा लगता है इसलिए मैं मिलाती हूँ। इसको फिर थोड़ा सा चलाइए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप तो जानते हैं कि घी में ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हम पानी डालेंगे ताकि सब्जी लगे नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाल दीजिए और हल्का सा इसको चलाइए। अब कुकर का ढक्कन बंद कीजिए और गैस को थोड़ा सिम कर दीजिए। 2 सीटी आने तक हम लोग इसको पकने देंगे। दोस्तों, ऑलरेडी 2 सीटी आ चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम कुकर ठंडा हो चुका है, अब इस कुकर को खोलेंगे। देखिए, आपकी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी को थोड़ा चला लीजिए। अगर आप हल्का पानी खाना चाहते हैं, ग्रेवी चाहते हैं, तो ऐसे ही खाइए। अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें थोड़ा सा आटा डाल करके सब्जी को थोड़ा चला लीजिए, पानी पूरा सूख जाएगा और सब्जी गाढ़ी हो जाएगी। इसमें अब थोड़ा सा धनिया पत्ता और मक्खन या घी आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल लीजिए। ये लीजिए, तैयार है आलू घी की सब्जी, सिंपल और स्वादिष्ट। थैंक यू।